मैं माफी मांगना चाहूंगा कि इस विषय पर मैं थोड़ा सा वीडियो लेट बना रहा हूं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना भी दिए और बहुत सारे लोगों ने जानकारी ले भी ली, लेकिन मेरा एक फलसफा है कि अगर ज्ञान ना हो तो उसे बांचना नहीं चाहिए, यानी कि जब तक पूरी जानकारी उपलब्ध ना हो जाए तब तक उसके बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो यूट्यूब का सबसे धमाकेदार वीडियो आप इस पर देखने जा रहे हो जो सीईटी पर आधारित है। सीईटी पर बात करने से पहले मैं जरा भी मौजूदा स्थिति के बारे में बात करता हूं। तीन बैंकिंग एजेंसी की अगर हम बात करें, एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल उसी पर ही आधारित है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि वाकई में अभी जो मौजूदा सिस्टम है वो ज्यादा बेटर है या ये जो नया सिस्टम आने वाला है सीईटी वाला वो ज्यादा बेटर है, इसका फायदा किसको होगा और इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक एक बात पर बहुत गौर से बहुत ही विस्तार पूर्वक बात करने वाला हूं। एक्सपर्ट्स की माने, यानी कि जो विशेषज्ञ हैं, जो शिक्षा मंत्री वगैरह के जो सदस्य वगैरह रहे और जो भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने जो बताया है उसके मुताबिक, उन्होंने जो अपने वक्तव्य जारी किए मीडिया में उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इस सिक्के के दो पहलू हैं। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब जब तक हमें नहीं मिल जाते तब हम ये नहीं कह सकते कि इसका नुकसान है वो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जानकारी आना बाकी है कि एजेंसी कैसे काम करेगी, किस तरीके के मेंस की परीक्षा कराएगी, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला था एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के मौजूदा हालात के बारे में। एसएससी लेट चल रहा है, रेलवे कब एग्जाम कराएगा पता नहीं, सरकार 1100 करोड़ रुपए लगभग अपने पास रखे हुए है और अभी तक यह नहीं पता चल पा रहा है कि एग्जाम कौन कराएगा, टेंडर कौन लेगा, एजेंसी कौन होगी। अभी कोविड-19 के हवाले से वो लगातार अपनी टेंडर डेट को लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और मुझे ऐसा समझ में नहीं आता कि जैसे दुनिया भर की वर्चुअल मीटिंग हो सकती है तो क्या इस तरह की मीटिंग आप टेंडर के जरिए, आपको ऑनलाइन ही तो टेंडर भरवाना है, जरूरी है किसी का हाथ पकड़ के टेंडर भरवाओ, नहीं ना, तो कोविड-19 का खतरा कहां हुआ। सिर्फ और सिर्फ मुझे यहां पर बहानेबाजी नजर आती है कि रेलवे वाकई अभी एग्जाम कराना नहीं चाह रहा है या पता नहीं क्या चाहते हैं वो, लगता है चाहते हैं कि कोई ना कोई आंदोलन हो जाए उसके बाद ही एग्जाम कराएंगे। माफी चाहूंगा मैं अपने विषय से भटक गया, बट रेलवे की बात करें तो रेलवे भी 2 साल लेट चल रहा है, आईबीपीएस ठीक चल रहा है, बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग ठीक चल रहा है, समय पे अपने एग्जाम करा रहा है और समय पे अपने रिजल्ट जारी कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे मन में कई सारी शंकाएं आती हैं कि जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आएगा क्या उसके बाद हमें इस तरीके के सरदर्द से आजादी मिलेगी कि एग्जाम कब होगा, डेट कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें विश्लेषण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये वाकई एजेंसी काम कैसे करने वाली है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये वाकई में सीईटी क्या है। सीईटी की बात करें तो सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको सिर्फ एक प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। एक प्रारंभिक परीक्षा का मतलब यह हुआ कि जो प्री एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि एसएससी में भी प्री होता है फिर मेंस होता है जिसे टीयर 1 और टीयर 2 एंड देन टीयर 3 वगैरह तक लेके जाते हैं वो। आईबीपीएस या बैंकिंग की बात करें तो उसमें भी आपका लेवल 1 लेवल 2 यानी कि प्री या मेंस रहता है। रेलवे में भी ऐसा ही रहता है कि टीयर 1 टीयर 2 इस तरीके से चलता है। तो अगर बात की जाए तो यहां पर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा की बात है वो पूरी तरीके से सिर्फ उसे प्रारंभिक परीक्षा की बात की जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा की बात इसलिए की जा रही है क्यों भाई, एक ही परीक्षा क्यों नहीं करा देते, तीनों की एक साथ करा दो ना, बार बार क्या मतलब, फिर फायदा क्या होगा, जब मेंस अलग अलग देना पड़ेगा तो फायदा क्या होगा। तीनों की एक ही परीक्षा नहीं कराई जा सकती बिकॉज, क्योंकि एसएससी में काम करना, रेलवे में काम करना और बैंकिंग में काम करना, तीनों के जॉब प्रोफाइल एकदम अलग है। तीनों डिपार्टमेंट्स को, तीनों विभागों को अपने अपने मुताबिक उनको पर्टिकुलर विशेषता वाले कैंडिडेट की तलाश रहती है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो वर्तमान समय में एसएससी का पैटर्न, रेलवे का पैटर्न और बैंक का पैटर्न एग्जाम लेने का बिल्कुल अलग है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से पूछे जाते हैं और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी जो रहता है वो बिल्कुल अलग अलग रहता है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि आप अगर एक स्टूडेंट के तौर पर सोचें, जितना मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर पाता हूं या जितना मैं जानता हूं उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा होता है उसमें तो बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो रेलवे की भी तैयारी कर रहे होते हैं, या जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा होता है, जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहा होता है वो बहुत कम ही होते हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। यानी अभी हम क्या चलते हैं, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ माइंड से चलते हैं कि नहीं हमें बैंकिंग जाना है, हमें रेलवे में करना है और हमें एसएससी में जाना है। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है सब्जेक्ट्स,
लेवल ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि वो बैंकिंग की रीजनिंग नहीं कर सकते या बैंकिंग का अंग्रेजी नहीं कर सकते, तो वो कुछ ऐसा एग्जाम ढूंढते हैं जिसको वो आसानी से कर पाए, जैसे कि रेलवे हो गया या एसएससी हो गया। सिमिलरली जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैथ बहुत कठिन आती है, मैं एसएससी नहीं कर सकता हूं, तो मैं रेलवे कर लेता हूं। अब यहां पर एक बड़ा पेच फंसता है कि अगर हम प्री परीक्षा को एक जैसा बना देते हैं, क्योंकि बोला गया है कि पाठ्यक्रम भी एक जैसा होगा, सारी चीजें एक जैसी होंगी, तो उसमें समस्या यही आती है कि हम तैयारी तो एक जैसी करेंगे अपनी सीईटी के लिए, एक तरह से हम सीईटी के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन जब हम मेंस की परीक्षा देंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें अपनी तैयारी में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि रेलवे अंग्रेजी नहीं पूछता, इंग्लिश नहीं पूछता, जबकि एसएससी अंग्रेजी पूछता। बैंकिंग में भी एक एग्जाम ऐसा होता है आरआरबी, जो अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में ऑप्शन रखता है कि आप अगर नहीं अंग्रेजी आपकी अच्छी है तो आप हिंदी में भी आके चले आइए। तो अगर देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं जिसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अब बात करते हैं कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो अब ये मामला यहां पर खत्म हुआ आके कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्री परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए देनी है। मेंस एसएससी अलग कराएगी, बैंकिंग अलग कराएगी, रेलवे अलग कराएगी। तो जो यूट्यूबर और जो लोग ये चिल्ला रहे हैं कि जो मीडिया वाले भी ये चिल्ला रहे हैं कि अब सरकारी नौकरी का सपना हुआ और आसान, तो हैशटैग अभी सरकारी नौकरी का सपना आसान नहीं हुआ है। हां, मैं ये मानता हूं कि एक चरण कम हो गया है। एक चरण कैसे कम हो गया, उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। पहले आपको समझाता हूं कि एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एक ऐसी एजेंसी होगी जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। सरकार के मुताबिक अभी 1000 केंद्र सेलेक्ट किए गए हैं और 117 आकांक्षी जिलों की सूची बनाई गई है जहां पर इस तरह के सेंटर डेवलपमेंट किए जाएंगे। वहां पर परीक्षा देने के बाद, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के बाद आपको क्या होगा, क्योंकि परीक्षा साल में दो बार होगी, तो आपको एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। ये स्कोर कार्ड समझते हैं कि स्कोर कार्ड काम कैसे करेगा। स्कोर कार्ड समझने के लिए, ये ऐसा नहीं है कि ये फंडा पहली बार इंडिया में चल रहा है, इससे पहले भी कई एग्जाम है जो स्कोर कार्ड बेसिस पे एडमिशन वगैरह देते हैं, रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं। उनमें से कुछ एग्जाम यहां पर है, जैसे कि गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जो लोग भी एमटेक करना चाहते हैं या पीएसयू में जाना चाहते हैं, वो गेट की परीक्षा हर साल देते हैं, और गेट की परीक्षा देने के बाद उनको एक स्कोर कार्ड जारी किया जाता है, और उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3 साल होती है, लेकिन अगर आप किसी पीएसयू में जाना चाहते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में जाना चाहते हैं, भेल गेल एक्सेट्रा में कहीं जाना चाहते हैं, तो उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। यानी अगर अगले साल अगर आपको कहीं और रिक्रूटमेंट करना है तो दोबारा से गेट की परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको एडमिशन लेना है और बाय चांस आप इस साल एडमिशन नहीं ले पाए, तो आप गेट के थ्रू अगले साल भी एडमिशन ले सकते हैं। बस आपका क्या होगा, कंपैरिजन कराया जाता है, बेस्ट स्कोर लिया जाता है। आप तीनों साल भी गेट दे सकते हो, तीनों साल गेट देने के बाद जो बेस्ट स्कोर आपका रहेगा वो वैलिडिटी में माना जाएगा। और जैसे मान लीजिए मैं जाना चाहता हूं कि आईआईटी कानपुर से मैं एमटेक करूं और मेरा गेट स्कोर बहुत अच्छा है, मैं गेट स्कोर के हिसाब से जाऊंगा, मेरे बाद एक और लड़का है जो आईआईटी कानपुर से एमटेक करना चाहता है, बट मेरे गेट स्कोर से उसका गेट स्कोर कम है, तो एडमिशन मुझे मिल जाएगा, उसे नहीं मिलेगा। सिमिलर केस यहां पर होने वाला है, कट ऑफ वाला केस यहां पर होना है। इसी तरीके का एक एग्जाम यूजीसी नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए होता है, ये भी 3 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद बात करें कॉमन एडमिशन टेस्ट की, कैट भी 1 साल के लिए वैलिड होता है, और देश के शीर्ष प्रबंध संस्थानों में एडमिशन के लिए यहां पर काम किया जाता है, यानी कि इस टेस्ट के जरिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जीमैट होता है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है, ये भी 3 साल के लिए होता है। एंड अगर आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जीआरई एग्जाम होता है, ये 5 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। एक बार आपने एग्जाम दिया तो आप 5 साल में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि मैं कैट का एग्जाम्पल उठा लेता हूं, कैट आपको इसको समझने में काफी मदद करेगा। कैट में क्या होता है कि जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, एग्जाम आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, देन आपको तरह तरह के आईएम पे एडमिशन लेने के लिए कॉल आती है, या आप वहां पर जाते हो, आप उनको अप्रोच करते हो इस तरीके से। फिर उसके बाद वो अपना एक खुद का इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। अगर आपके पास अच्छा कैट स्कोर है और आप उनके इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं। बस फायदा क्या हो गया, कैट क्वालिफाई करने से जितने भी देश के शीर्ष प्रबंध संस्थान है, यानी कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वो आपको एडमिशन देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप उनका एडमिशन क्राइटेरिया फॉलो करते हो, उसके बाद इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना पड़ता है। सेम केस एनआरए करेगी। एनआरए क्या करेगी, आपको एक कट ऑफ दे देगी, आपको बोल देगी कि ये पेपर है 100 नंबर का। अभी कितने नंबर का पेपर है ये भी अभी क्लियर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली बोला जा रहा है कि 100 अंक का पेपर होगा, या परसेंटेज के हिसाब से बात कर लेते हैं। उसमें आपके कुछ अंक आएंगे, व्हाटएवर जो भी आपके अंक आए। अगर आप एसएससी के लिए जाना चाहते हो
तो देन आपका कट ऑफ इतना होना चाहिए तो आप एसएससी की मेंस परीक्षा में बैठ पाओगे, टीयर टू की परीक्षा में बैठ पाओगे। दूसरा, अगर आपका कट ऑफ कुछ कम या ज्यादा है उस हिसाब से आईबीपीएस या बैंकिंग सर्विसेज में आप जा पाओगे, और अगर आपका कट ऑफ कुछ और है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों विभाग जो है अपने अपने मुताबिक अपना अपना कट ऑफ सेट करेंगे। यहां पर भी एक टेक्निकल दिक्कत है। अभी क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि आरआरबी वाला जो बंदा होता था वो शायद एसएससी का एग्जाम नहीं देता था, या एसएससी, या आप मान लीजिए कि आईबीपीएस में बहुत होशियार बच्चे आते हैं जिनका सपना होता है कि नहीं मुझे आईबीपीएस की जॉब करनी है, मोस्ट प्रोबेबली वो एसएससी और आईबीपीएस में जाते हैं, रेलवे में भी आते हैं, बड़ी ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग तरह के ग्रेड पे के स्केल की जॉब है तो अलग अलग तरीके से आते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम देखें तो अब ऐसा होगा कि एसएससी का टॉपर, रेलवे का टॉपर, आईबीपीएस का टॉपर, तीनों टॉपर एक परीक्षा में बैठेंगे। तीनों टॉपर एक परीक्षा में बैठेंगे तो जो उसमें कमजोर छात्र होंगे, जिनको लग रहा होगा नहीं वो रेलवे कर सकते थे एसएससी नहीं कर सकते थे, जिनको लग रहा होगा कि वो आईबीपीएस कर सकते थे वो ऐसे, तो उनको थोड़ा बहुत यहां पर सोचना पड़ेगा, उनको कस के मेहनत करनी पड़ेगी। कस के मेहनत करने का मतलब ये हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए अमूमन 100 बच्चा एक एग्जाम दे रहा है, वैसे तो 3 से 4 करोड़ हर साल देते हैं, 100 बच्चा एक एग्जाम दे रहा है, उसमें क्या हुआ, उसमें से आपको पता है कि 20 बच्चा ऐसा था, मतलब टोटल एग्जाम की बात करूं 20 बच्चा ऐसा था जो सिर्फ एसएससी देता, 20 बच्चा ऐसा था जो सिर्फ आईबीपीएस देता या बैंकिंग देता, 40 बच्चा यानी 60 बच्चा बचा वो सिर्फ आपका आरआरबी देता। अब समझना, अभी जो सिस्टम है उसमें क्या होगा, एसएससी वाला एसएससी वाले से फाइट करेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये होगा, बैंकिंग वाला बैंकिंग वाले से फाइट करेगा, आरआरबी वाला आरआरबी वाले से फाइट करेगा। बट अब क्या होगा, अब आपको सभी के साथ फाइट करना पड़ेगा, कट ऑफ उसी हिसाब से बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जो पेपर होगा वो बहुत आसान रखा जाएगा। आसान रखने का मतलब यह है कि अगर 10th लेवल का पेपर है तो 10th लेवल वाले देंगे, 12th लेवल का पेपर है तो मतलब कि जिस पोस्ट के लिए 12वीं आवश्यक है उनके हिसाब से पेपर अलग बनेगा। जैसा कि इन्होंने कहा भी है कि ग्रेजुएट वालों के लिए पेपर अलग बनाएंगे, 12वीं वालों के लिए अलग बनाएंगे, और 10वीं पास जो नौकरियां होती हैं उनके लिए अलग पेपर बनाएंगे। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कमजोर छात्रों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर वो कट ऑफ से बाहर हुए तो उनका सपना टूट जाएगा। लेकिन सपना टूटने का कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें एक बार में ही खुद ही अंदाजा हो जाएगा, और एक साल में 2 बार परीक्षा होनी है तो वो दूसरे बार भी इसको दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा देखना होगा। एनआरए कैसे काम करेगी आपको पता चल गया। एनआरए ने कहा है कि वो 1000 सेंटर डेवलप करेगी और परीक्षा ऑनलाइन होगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि इतने सारे बच्चों का, 3 करोड़ लोग होंगे लगभग 3 करोड़ लोग जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ओवरऑल, अब देख लें एसएससी, बैंकिंग और अगर हम आरआरबी मिला लें तो 3 करोड़ के आसपास का डेटा है जो 2020 में आसपास बोला है, मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला, 2020 के आसपास का होगा, 2020 में इतने लोगों ने फॉर्म भरा था। अब समस्या ये है कि इतने बड़े लोगों का, इतने सारे लोगों का आप एग्जाम कराओगे कैसे, क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास? आपने बोल तो दिया है कि आप अब अगले जो 2021 से जो परीक्षा कराएंगे वो इसी हिसाब से करेंगे, तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी जिसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं इससे फायदा क्या क्या होने वाला है। देखिए मुझे जो इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा नजर आ रहा है, मुझे ये कन्विंस और दूर सेंटर पढ़ना, पास सेंटर पढ़ना, एक बार एग्जाम फीस करना, ये मुझे इतना बड़ा दिक्कत नहीं नजर आ रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी दिक्कत थी किसी को कि नहीं यार 4-4 बार फीस भरना पड़ रहा है, 3-3 बार फीस भरना पड़ रहा है। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इसमें लग रही है वो ये लग रही है, बाई चांस आपने रेलवे का एग्जाम दिया, अभी क्या होता था आपने रेलवे का एग्जाम दिया, आप टीयर 1 क्वालिफाई कर गए, टीयर 2 क्वालिफाई कर गए, लेकिन आप टीयर 3 में शायद अटक गए या टीयर 2 में कहीं पर अटक गए। अब उससे क्या होता था, कुछ लोग बोलते मैं मेडिकल से बाहर हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको फिर से प्री की परीक्षा देनी पड़ती थी, फिर टीयर 2 पे आते थे, फिर टीयर 3 वाली प्रोसेस पे जाते थे। अब इसका यह फायदा हो जाएगा कि बाई चांस 3 साल के लिए आपका स्कोर वैलिड है, आप साल में 2 बार परीक्षा दे सकते हो और सबसे बेस्ट स्कोर आपका माना जाएगा, यानी कि मान लीजिए अभी मेरे 100 में 50 अंक आए, मैंने दोबारा परीक्षा दी तो 58 अंक आ गए, तो मेरा 58 वाला माना जाएगा। ये उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए पहली बार में मेरे 58 अंक आए, दूसरी बार में मेरे 50 अंक आए, तो मेरा 58 वाला ही वैलिड रहेगा, मतलब बेस्ट स्कोर लिया जाएगा। तो इसका मुझे जो सबसे बड़ा फायदा नजर आ रहा है कि असफल होने पर भी बार बार आपको प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, ये इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे नजर आ रहा है कि आप अगर असफल हो जाते हैं, एक भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन बाय चांस अगर आप कभी असफल हुए किसी भी एक पॉइंट पर, तो आपको शुरू से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, हेडक दूर हो जाएगी, ये हेडक दूर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट जो मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे परीक्षा कराएंगे तो कम से कम ये तो पता चलेगा यार कि एग्जाम कब होगा,
कब हमें एग्जाम देना है, कब हम अच्छे से तैयारी कर पाए। अभी क्या हो गया, पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, एग्जाम का आता पता ही नहीं। तो ये एक पॉइंट और अच्छा हो गया। दूसरा पॉइंट जो इसका अच्छा था, तीसरा पॉइंट जो इसका अच्छा है, वो ये कि तीनों संस्थाओं के लिए एक ही कॉमन टेस्ट होगा। अब कॉमन टेस्ट अगर एक होगा तो यकीन मानिए कि आपके पास कई मौके आ गए। आपको लगा नहीं आरआरबी ने खेल गड़बड़ कर दिया है तो आप तुरंत एसएससी में स्विच कर जाओ, एसएससी के मेंस की तैयारी करने लोगों। अगर आपको लगे कि नहीं एसएससी गड़बड़ा रहा है, इस बार बहुत भ्रष्टाचार हो गया, जैसे 2017 में जो हाल हुआ एसएससी का, तो उसको देखते हुए अगर लगे कि गड़बड़ हो रहा है तो फॉरन बैंकिंग में स्विच कर जाओ। आपके पास स्विच करना थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा। आप एक फॉर्म भर चुके होंगे, आप उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, स्कोर के मुताबिक आपका एंट्रेंस हो जाएगा। अब यहां पर एक बात यह है कि जो गरीब उम्मीदवार है उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। अगर वो तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, तीनों क्या मतलब, तीनों विभाग की तैयारी करते, तो दसियों नौकरियां निकलती हैं, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी में, आईबीपीएस में, आरआरबी, बैंक क्लर्क, स्पेशल ऑफिसर। आरआरबी की बात करें तो ग्रुप डी, एनटीपीसी, जाने क्या क्या फलाना फलाना नौकरियां निकलती हैं। तो हर एग्जाम के लिए अलग अलग फॉर्म भरने से छुट्टी हो जाएगी, पैसा जरूर बचेगा, क्योंकि किसी एग्जाम की फीस 500 रुपए से कम रखते नहीं है ये। अब ये फायदा आपको मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा फायदा ये हो जाएगा, क्योंकि अगर तीन के भरने पर, तीन फॉर्म भरने पर हमें 1500 रुपए की कॉस्ट आई, लेट अस सपोज अगर हम तीनों अलग अलग भर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने उसकी फीस, यानी कि जो सीईटी है उसकी फीस अगर इन्होंने 1500 कर दी, तो वहां पर भी मामला ये खत्म हो जाएगा, यानी ये राहत तो फिर नहीं प्राप्त होगी, फिर तो बराबर ही हो गया ना पैसा। हाँ, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, आप हेडेक से थोड़ा कम हो जाओगे। हेडेक से इसलिए आपका कम हो जाएगा, जो सरदर्द है वो थोड़ा सा इसलिए कम हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है, एक ही कॉमन पैटर्न पर चलना है, एक ही पढ़ाई करनी है, तो कम से कम सीईटी निकालने के लिए आप सीईटी तैयार कर लो। आपको लगे कि आपका इतना कट ऑफ आ गया है या आपकी तैयारी इतनी है, आप उस हिसाब से मेंस की तैयारी भी शुरू कर सकते हो। तो यहां पर जरूर यह बात होगी, महिला उम्मीदवारों को ज्यादा लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी देखा जाता है कि चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एसएससी हो, जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनके सेंटर बहुत कम है इंडिया में, जिसकी वजह से बहुत दूर दूर एग्जाम देने जाना पड़ता है। कुछ लोगों को तो 24-24 48-48 घंटे लगातार यात्रा करने के बाद एग्जाम देने जाना पड़ता है। ऐसे में उनको बहुत लाभ होने वाला है। लाभ इसलिए होने वाला है क्योंकि बोला गया है कि 1000 सेंटर बनाएंगे और जहां पर पास का कोई जिला होगा वहां पर एक सेंटर डेवलप जरूर किया जाएगा, जिससे छात्रों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, खासकर महिलाओं को इसमें बड़ी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तीसरा, मानक परीक्षाएं होगी। मानक परीक्षाएं का मतलब, अगर आप मान लीजिए ग्रुप डी लेवल की कोई एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मतलब जिसमें 10वीं पास मांगा जाता है या जिसमें 12वीं पास मांगा जाता है या जिसमें ग्रेजुएट मांगा जाता है, तो इन्होंने ये बोल रखा है कि हाँ, ये तीनों जो परीक्षाएं होंगी वो अलग अलग लेवल की होंगी। ग्रेजुएट का पेपर अलग बनाएंगे, 12th पास का अलग बनाएंगे और 10th का पेपर अलग बनाएंगे। तो इस तरीके से आप जिस लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस लेवल के लिए अप्लाई कर पाओगे, आप अपनी परीक्षा के हिसाब से तैयारी कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि यार मतलब कि 10वीं वाली परीक्षा दे रहे हैं तो मतलब 12वीं वाली परीक्षा दे रहे हैं, 10वीं का लेवल वाला पेपर पूछ लिया, मतलब ऐसा नहीं होगा। जो लोगों को कंफ्यूजन था कि सर ऐसा ना हो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो तो बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन पूछ लें, एसएससी वाला क्वेश्चन आरआरबी में पूछ लें, आरआरबी वाला क्वेश्चन है, नहीं, पूरा पैटर्न बदलेगा आपके मुताबिक, जॉब रोल के मुताबिक। 10वीं स्तर मतलब उसको क्लास वाइज स्टैंडर्ड किया गया है, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और उसके आगे की ओर। आगे की ओर जाएं, परीक्षा केंद्रों का आप खुद चुनाव कर पाएंगे और सबसे बढ़िया बात है एक सिलेबस होगा, तो आप इस दौड़ से बच जाओगे कि किससे रीजनिंग पढ़े, बैंक की पढ़नी है तो अलग पढ़नी है, इससे पढ़नी, हम भी पढ़ाने से बहुत आसान हो जाएगा, हम भी आराम से पढ़ा पाएंगे, भैया रीजनिंग पढ़नी है तो ये सीईटी की रीजनिंग है, पूरा रीजनिंग पढ़ डालो, खत्म, टेंशन खत्म हो जाएगी। और साल में 2 बार परीक्षा होने से ये हो जाएगा कि अगर आप असफल होते हो तो दूसरा मौका आपके पास हमेशा रहेगा, आप निराश या हताश नहीं रहोगे। आई थिंक ये इसके फायदे हैं एग्जैक्ट, जो मुझे सबसे, मुझे मतलब पर्सनली, ये मेरे अपने विचार हैं, जो मुझे पर्सनली सबसे बढ़िया फायदा लग रहा है वो ये लग रहा है कि यार बार बार हमें प्री नहीं निकालना पड़ेगा। एक बार हमने सीटी निकाला, 3 बार के लिए मतलब 3 साल के लिए हमारी बुकिंग हो गई कि हम रेलवे में भी जा सकते हैं, एसएससी में भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं। अब जिस वजह से इसको लाया गया है, इसमें एक एजेंडा इन्होंने और रखा हुआ था, एक बात और इन्होंने बोली हुई थी कि एग्जाम जल्दी जल्दी हो जाएंगे, यहां पर मुझे थोड़ी शंकाएं हैं, क्योंकि प्री तो आप करा दोगे, सीईटी मान लिया मैंने कि प्री हो गया हमारा, लेकिन उसके बाद हम किधर जाएं, मेंस के लिए क्या करेंगे, मेंस के लिए अलग फीस देनी पड़ेगी। अगर मेंस के लिए अलग फीस देनी पड़ी तो 9 दिन चले 2.5 कोर्स, घूम फिर के वहीं आ गए। अगर मेंस के लिए अलग फीस देनी पड़ी तो एसएससी का देना है तो उसकी अलग फीस। इस बारे में अभी भी कोई जवाब उपलब्ध नहीं है कि हमें मेंस के लिए, यानी कि हम जो टियर 2 देने जाएंगे या दूसरा चरण देने जाएंगे संस्था में, तो उसके लिए फीस देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। अगर देनी पड़ी तो इस योजना का कोई लाभ हमें खास नजर नहीं आएगा, पैसे के लिए, पैसे के लिए आज भी अगर देखें। दूसरा पॉइंट यह है कि कमजोर छात्र कैसे तैयारी करेंगे।
मैंने ये पॉइंट इसलिए रखा है, ये पॉइंट मुझे इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि एसएससी का टॉपर भी आरआरबी वाले से फाइट करेगा, आरआरबी का टॉपर भी आईबीपीएस वाले से फाइट करेगा। इस तरीके से पूरा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपर्स होंगे वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और वो इस कट ऑफ को, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो कट ऑफ को है, उसको कहीं ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि देश में प्रतिभा की कमी कतई नहीं है। ऐसे में कमजोर छात्र जो अभी तक सेलेक्ट हो जाते थे, जिनको मतलब थोड़ा बहुत कमजोरी होती थी, किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर है, उनको थोड़ा ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए वो अपना माइंड मेकअप करें, जो को जिनको भी जरा भी कमजोरी महसूस हो रही है और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अपना माइंड मेकअप जरूर करें, वो अपने को बूस्टअप जरूर करें कि अब उनकी लड़ाई थोड़ी सी कठिन होने वाली है। टॉपर्स के लिए भी ये बात कठिन होने वाली है कि जो जॉब उन्हें बहुत आसानी से मिल जाती थी अब, क्योंकि यहां पर हाँ, दूसरा पॉइंट ये भी है कि क्या इसके नंबर मेंस में जोड़े जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इसके नंबर मेंस में जोड़े जाएंगे, और अगर इसके नंबर मेंस में नहीं जोड़े जाएंगे तो मेंस अपने आप में ही पूरा का पूरा डेडिकेटेड हो जाएगा, पूरा का पूरा एक तरह से वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा कि वाकई में किसको क्वालिफाई कराना है, किसको नहीं क्वालिफाई कराना है। तो कमजोर छात्र थोड़ा सा, जो पढ़ाई में कमजोर है, वो थोड़ा सा अपने मेहनत को लेके आए, थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि अगर 2021 में हमें इस तरह से तैयारी करनी है तो सिर्फ सीईटी निकालने से काम नहीं चलेगा, आपको और ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी के पास वो ऑप्शन होगा, वो एसएससी नहीं क्वालिफाई कर पा रहा होगा, उसकी तैयारी नहीं हो पा रही होगी, लेकिन वो टॉपर है, मान लीजिए बीमार पड़ गया वो और नहीं एसएससी का क्वालिफाई कर पाया, तो वो आरआरबी करेगा ना, वो तो गवर्नमेंट जॉब करेगा ही। आप इसे ऐसा सोच सकते हो कि एक आदमी के पास तीन ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे। एज क्राइटेरिया वेरी मच मतलब कि ये इसके बारे में भी कुछ बोला नहीं गया है कि एज क्राइटेरिया किस तरीके का होता है, क्योंकि एसएससी में कई जॉब ऐसी हैं जिनके एज क्राइटेरिया बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी जाकर वो मेंस में ही डिसाइड करेंगे, और अगर वो मेंस में डिसाइड करेंगे तो फिर से हमें वहां पर एक अलग स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट, मेंस में पाठ्यक्रम बदलेगा क्या? मेंस में पाठ्यक्रम निश्चित तौर पर बदलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो निराश भी करना चाहेंगे कुछ लोगों को। अगर वो मेंस का पाठ्यक्रम नहीं बदलेंगे तो जितने लोग सीईटी देंगे वो सारे के सारे तीनों एग्जाम देंगे 90%। कुछ एकाध जो डेडिकेटेड होंगे कि नहीं उन्हें एसएससी करना है तो वो एसएससी में ही जाएंगे, या बैंकिंग करना है वो बैंकिंग में जाएंगे, लेकिन अगर वो मेंस का पैटर्न नहीं बदलते हैं तो यकीन मानिए हर एक बच्चा जो सीईटी क्वालिफाई करेगा वो तीनों एग्जाम में बैठने की कोशिश करेगा। अगर वो पाठ्यक्रम बदलेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ नहीं यार, ये मेरे हिसाब का नहीं है, इसमें अंग्रेजी पूछी जाने वाली है, मैं तो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हूं तो मैं हिंदी वाले की तरफ जाऊंगा, यानी मैं आरआरबी की तरफ जाऊंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेंस का पाठ्यक्रम तो बदलना ही है, और मेंस का पाठ्यक्रम बदलना है तो यानी हमें दोहरी तैयारी करनी पड़ेगी, प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, जैसा कि हम अभी भी करते हैं। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि हम नहीं करते, हम प्री की तैयारी एकदम अलग तरीके से करते हैं, मेंस की तैयारी एकदम अलग तरीके से करते हैं। हाँ, अब ये हो जाएगा, प्री हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में मुझे ऐसा नहीं लगता वो कट ऑफ बनाएंगे, जैसे बहुत सारी संस्थाएं ऐसा करती हैं, उन्होंने कहा है कि इस आधार पर आपको प्राइवेट नौकरी भी मिलेगी, तो आगे आने समय में टाटा बिरला इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आपको इस कट ऑफ के बेसिस पे नौकरी मिल सकती है। अगला पॉइंट, इसकी शुरुआत कब तक होगी? कह तो रहे हैं कि 2021 में हो जाएगी, बट मुझे लगता है कि इसके लिए अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। 2021 में जैसे बोला गया है कि 2021 तो कह तो रहे थे सेप्टेंबर में एग्जाम करा देंगे, करा पाए क्या? तो ये थोड़ा सा बीत है। फीस बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगी? अगर फीस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये एक जो अपना एडवांटेज दिखा रहे हैं कि एक आवेदन एक फीस एक शुल्क, वो बेकार हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि फीस बहुत ज्यादा होगी। हाँ, फीस के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े एग्जाम को कराने के लिए अगर ये 500 से 1000 रुपए के बीच में अपनी फीस रखते हैं देन इट विल बी सुटेबल, और मुझे अच्छा ऐसा लग ही रहा है कि हाँ ये 500 से 1000 के बीच में ही ये फीस रहने वाली है सीईटी की। अगला, इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी बन पाएगा? ये एक क्वेश्चन है कि इतनी जल्दी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे। 1000 सेंटर्स पे अगर आपको देखो तो 250 कंप्यूटर 300 कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे तब जाके वो इतना बड़ा एग्जाम कर पाएंगे। देखिए, आपको बोला गया है कि 1000 सेंटर पर आप सोच लो 3 करोड़ लोगों का एग्जाम कराना है। नहीं सारी शिफ्ट में कराएंगे, नहीं एक ही शिफ्ट में कराएंगे, कई सारी शिफ्ट ले लेंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम एक सेंटर पर 200 कंप्यूटर उन्हें अरेंज करने पड़ेंगे, और 200 कंप्यूटर अरेंज करने का मतलब है कि काफी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें बनाना पड़ेगा। 200 कंप्यूटर लगाने के लिए कम से कम मुझे ऐसा लगता है 300 से 400 वर्ग गज की जगह चाहिए होती है, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि फंड भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे पाया हूंगा, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है
तो आप उसे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरी डिटेल फॉर्म में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको एक कट ऑफ प्राप्त होगा, उस कट ऑफ के जरिए आप अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, आप मेंस में बैठ सकते हैं। बट ये अभी तक क्लियर नहीं है कि मेंस के लिए आपको एक अलग फॉर्म भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा। अगर भरना पड़ेगा उसकी फीस लगेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि फीस लगेगी बिकॉज उन्हें एक अलग एग्जाम फिर से कराना पड़ेगा, और ऐसे में जब उन्हें अलग एक एग्जाम कराना ही पड़ेगा तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से प्री कराएगी। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी हासिल नहीं हुए, लेकिन उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ आपको समझाने में मैं सफल रहा हूंगा, इसके प्रोस एंड कॉन्स मैं आपको बता पाया हूंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूं, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, और हां सीईटी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए।